Amir Hassan's production. Oh. Lahore to Karachi with new rank of Karakoram Express Part 2. समासटा आ गई है गाड़ी। समासटा भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है और यहाँ पर भी गट फीलिंग तो यही आ रही है कि शायद यहाँ पे हाफ एन आवर का कोई टेक्निकल स्टॉप हो। जंक्शन पर है बगदाद, हसनपुर, चश्तिया, बावल नगर, मंडी, सारका, सादकगंज, मंचनाबाद, एक आखिरी नहीं पड़ा गया मंचनाबाद। और ये गाड़ी तो थ्रू हो गई है, यहाँ पर स्टॉप नहीं है, गाड़ी तो थ्रू जा रही है यहाँ से। मुझे तो लगा था यहाँ पर टेक्निकल स्टॉप होगा। नहीं, टेक्निकल स्टॉप नहीं दिया यहाँ पे। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और सामने से 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस आ रही है, उसकी क्रॉसिंग कैप्चर करते हैं। हाई स्पीड क्रॉसिंग होगी। गाड़ी रोड़ी जंक्शन पे अप्रोच कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी रही है बाहर, अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। मगर जो एसी बिजनेस है ये काफ़ी ठंडी रही है और बाहर अभी भी हवा चल रही है, सख्त जो है गर्म हवा है, लू जिसे कहते हैं।
शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और बस ये है कि एसी कोचेस बहुत पीछे थी, बिल्कुल एंड पे हैं और कराकरम का रेक ऐसे ही है कुछ। उसमें विसल जो है ना उसको बहुत मिस किया, गर्मी भी सख्त थी तो कोशिश की थी नेक्स्ट टू इंजन जाने की, बट वो जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। काफ़ी अच्छा व्यू आता है रेक का, मोस्टली CNR कोचेज हैं और सिर्फ CFI में एक दो ऐसी कोचेज हैं और एक जो है वो इकोनॉमी क्लास है। ओवरऑल जो रेक है वो बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि रोड़ी में कर्व बहुत लंबे हैं, तो यहाँ से अब देखते हैं कि मज़ीद कितना टाइम लगेगा कराची अप्रोच करने में। मेन वाले साथ खजूर के दरख्त चल रहे हैं। हेलो भाई, क्या हाल है यार? हाँ भाई। एक बड़ी प्यारी सी इवनिंग है और उसमें G40 के साथ एक ट्रेन अराइव कर रही है रोड़ी में, 9027 GU40। एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर पे मेरे जो पावर ग्लासेस हैं वो उड़ गए थे हवा से, तो अब मैं रहमान बाबा आई है जी 47 अब रशो रश। वीर भाई खाना लेने जा रहे हो? जी, ओके भाई। तो 7 बजने में तकरीबन 3 मिनट बाकी हैं, रोड़ी स्टेशन पे हम मौजूद हैं और रैक पीछे खड़ा हुआ है और 47 आपका भी इनिशियल हॉर्न हो गया और अपना लोकोमोटिव चेक करते हैं। लाहौर से अभी तक टाइम ही नहीं मिला उसे मुलाकात करने का, G40 हो और उसको बंदा ओबलाइज ना करे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो 47 आपका भी अभी डिपार्चर होने वाला है और साथ जो है वो रैक खड़ा हुआ है और लोकोमोटिव को चेक कर रहे थे जाके। रहमान बाबा की सीटी बज रही है, शायद अभी फाइनल हॉर्न आ जाए। और अपने लोगों से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। उसका भी फाइनल हॉर्न हो गया। वेरी गुड जी, तीनों विसल और अल्लाह हाफिज। तो ये फर्स्ट इकोनॉमी क्लास कोचेज आ गई हैं और सिग्नल तो अपनी गाड़ी का भी डाउन हुआ है। The hero of every Shogi U40 locomotive. HP का powerful locomotive manufactured by General Electric Universal. That's why it is called GEU-40. तो सामने आपको एक GMCU-17 नजर आ रहा होगा, उसके साथ GEU-40
9033 जो कि लीड कर रहे हैं, 42 डाउन एम्प्टी रेको, रोड़ी से गाड़ी निकल गई है, मगर मगरिब का वक्त हो गया और मज़ीद आई थिंक ये कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकेगी, फिर अंधेरा हो जाता है। बिजनेस क्लास में इस टाइम खामोशी है, बाहर अंधेरा है और गाड़ी अभी काशन स्पीड पे जा रही है अबाउट 60 पे, तो लेट्स सी कि शायद कराची लेट नाइट ही पहुंचेगी। नींद अब बहुत आ रही है तो सुबह देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। तो सुबह 4:30 बजे गाड़ी कराची पहुंच गई थी, थोड़ा बहुत काम वाइंड अप करके अब आँख खुली है, और अब तो खैर आँख नहीं खुली, 7:20 हो रहे हैं, तो कराची में प्लेस है गाड़ी, अब वापसी होगी इंशाल्लाह, वो देखते हैं किस गाड़ी पे होती है। दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।